यार एफडी तो हर कोई करवाता है, मतलब मेरी भी बैंक्स में एक दो एफडी हैं। इसी के चलते मैंने एक दो महीने पहले इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करना शुरू किया कि मैक्सिमम कितने अमाउंट की एफडी करवाने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, एफडी की जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टैक्स कैसे लगता है, कैसे कटता है, एंड उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी भी इसका सही आंसर नहीं मिला। सो मैंने कुछ टाइम पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिसर्च करना शुरू किया, एंड टू माई सरप्राइज आई फाउंड सम रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स विच आई एम गोना शेयर विद यू इन दिस वीडियो। द थ्री पॉइंट्स आई एम गोना डिस्कस अबाउट आर, फर्स्ट, जब आप एफडी करवाते हो तो जो इनकम टैक्स रिपोर्टिंग होती है उसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। सेकेंड इज की जो एफडी की इंटरेस्ट इनकम है उस पर टीडीएस कैसे कटता है, एंड थर्ड इज की जो 10% टीडीएस कटता है उसे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप एफडी करते हैं तो इनकम टैक्स रिपोर्टिंग से आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सो टू कीप अ ट्रैक ऑन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द टैक्सपेयर, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रेम द कॉन्सेप्ट ऑफ SFT सम टाइम बैक। इसको हम रिपोर्टेबल अकाउंट भी बोलते हैं। एज पर SFT, अगर आपका जो टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट है एफडीज का एक साल में वो 10 लाख से ज्यादा है तो बैंक्स उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। ये देखिए सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट से डायरेक्टली उठाया गया है। यहाँ पे टाइम डिपॉजिट्स का मतलब है एफडी, बट दीज वर वैलिड टिल 2021। उस टाइम पे एक थ्रेशहोल्ड से ज्यादा की लिमिट रिपोर्ट की जाती थी एज SFT ट्रांजैक्शंस, बट देयर वाज अ मेजर चेंजेस दैट हैपेंड इन 2021। बेसिकली 2021 के बाद SFT ट्रांजैक्शंस का स्कोप बढ़ा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। 2021 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, AIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। 2021 के बाद ये SFT ट्रांजैक्शंस AIS का पार्ट बन गए। The annual information system is a comprehensive overview of a taxpayer information. So आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आपको सब दिख जाते हैं आपके AIS पे, आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग यू कैन सी ऑन योर AIS। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज 2021 के बाद आपकी सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, छोटी सी छोटी, सबकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। ये सब आप अपने AIS में देख सकते हो, ये AIS आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो ये जो 10 लाख का एफडी का क्यूमुलेटिव अमाउंट का सीन था, जो कि 10 लाख का आपका जो अमाउंट होगा तभी आपकी इनकम टैक्स रिपोर्टिंग होगी, ये सब अब नहीं होगा। 10,000 की कोई एफडी है उसकी डिटेल भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। कोई और आपको कुछ भी बोले आप उसको मत मानिएगा। सो जब तक आपकी जो सेविंग्स है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से मैच हो रही है तब तक बहुत कम चांसेस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी तरह का नोटिस भेजे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, आपको नोटिस आ भी जाता है, तो आप सब चीजें दिखाकर जस्टिफाई करके अपने आप को सही साबित कर सकते हो। चलो ये तो हो गई नोटिस की कहानी, अब ये टीडीएस की क्या कहानी है। टीडीएस की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। आप किसी भी बैंक से आप एफडी करवाओगे तो आपका TDS कटेगा 10% का। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो आपकी इनकम जहाँ से आ रही है वहीं पर आपका टैक्स कट जाएगा। अगर आपके बैंक के पास आपकी पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका 20% TDS भी कट सकता है। सो अगर आपने किसी बैंक से 2 लाख का FD करवाई तो 8% के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो बनता है 16,000 रुपये। इस पर आपका 10% TDS कटेगा यानी कि 1600 रुपये, तो आपके पास जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो आएगी 14,400 रुपये। बट एक तरीका है जिससे आप ये TDS अवॉइड कर सकते हो। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है देन यू आर एग्जेम्प्टेड ऑफ पेइंग एनी काइंड ऑफ TDS ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम। इन सच अ केस यू हैव टू फिल अ फॉर्म कॉल्ड 15G। सीनियर सिटीजन के केस में इसको कहते हैं 15H। ये बनने के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली दिस फॉर्म 15G लुक्स लाइक। ये फॉर्म आपको इजिली बैंक की वेबसाइट, ब्रांच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर इजिली आपको मिल जाएगा। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है और आपकी एफडी से जो इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 से कम है साल की, तो भी आप ये फॉर्म 15G भर सकते हो। अगर आप ये फॉर्म भरते हो, सबमिट करते हो, तो भी आपको कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट है 50,000 रुपीज। लेकिन TDS बेशक आप नहीं भर रहे हो अपनी इंटरेस्ट इनकम पे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है कि आपके सेविंग्स अकाउंट पे आपको 10,000 तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है, यानी कि अगर आप साल में अपने सेविंग्स अकाउंट से 10,000 तक का इंटरेस्ट इनकम कमाते हो तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। एफडी के केस में ऐसा नहीं है। एफडी के केस में अगर आप 1 रुपये भी कमा रहे हो दैट विल बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड यू विल बी टैक्स्ड एज पर योर टैक्स स्लैब। चलो ये तो समझ आ गया कि एफडी की इंटरेस्ट इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बट इज देयर एनी वे टू मिनिमाइज दिस टैक्स, कुछ हैक, कुछ तरीका? सो गुड न्यूज, आई हैव गॉट 3 हैक्स फॉर यू। इफ यू आर अंडर 30% टैक्स ब्रैकेट एंड इफ यू आर मैरिड देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल HUFs विद योर वाइफ एंड किड्स।
हर HUF में आप 7 लाख तक की इंटरेस्ट इनकम दिखा सकते हो विदाउट एनी टैक्स इंफॉर्मेशन. लेकिन HUF को ओपन करने के अपने कुछ कॉन्स होते हैं. जब आप HUF ओपन करें तो आप उन कॉन्स को ध्यान में रखिएगा. इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं. सेकेंड इज, जब आप FD करवाने जाते हो तो जो उसका इंटरेस्ट है वो आप मल्टीपल ईयर्स में डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने दिसंबर 2023 में कोई FD करवाई 3 साल के लिए. सो आप जो इसका इंटरेस्ट इनकम है, इंस्टेड ऑफ शोइंग द एंटायर इंटरेस्ट इनकम इन 2023, यू कैन स्टैगर दिस ओवर फॉर 3 ईयर्स. आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 3 साल में डिवाइड हो जाएगी. इससे एग्जैक्टली आपको टैक्स तो कम नहीं होगा, लेकिन जो आपका लोड है वो पूरे 1 साल में नहीं आएगा. थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यू कैन क्रिएट योर FD इन योर पेरेंट्स और वाइफ्स नेम जिनकी इनकम इज बिलो 7 लाख्स. लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई हो सकता है. सो आपको थोड़ा स्मार्टली इसको मैनेज करना पड़ेगा. आप लोन करके दिखा सकते हो या और भी तरीके हैं इसको स्मार्टली मैनेज करने के. सो यार, ये था हमारा FD पे TDS एंड टैक्स का ज्ञान. अगर हमसे कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ ऐसा पॉइंट जो आप ऐड करना चाहते हो अपनी साइड से फॉर अदर्स टू नो, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपकी आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाई है, कुछ वैल्यू ऐड करी है, सो प्लीज लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंटिल देन, बी किफायती.